हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी चैनल में। मैं आके पहुंच गई हूँ विद पर्पल ड्रेस, लेवेंडर कलर का ड्रेस के साथ, लेवेंडर कलर का बलून्स लगाए, और मैं आके पहुंच गई हूँ सुजाता रेसिडेंसी में। दीदी मैं और स्वाति पहले आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं आगे चल के आपको पता चल जाएगा। मेरा ड्रेस और बलून देख के कुछ पता चल रहा है तो ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए आगे, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल डेकोरेशन है क्या है मैं दिखा देती हूँ। बस एक टेबल, और यहाँ पे है टेबल, बलून कैसे लग रहा है बताना। चलिए, और कोई नहीं आया था इसीलिए हम यहाँ पे कुछ फोटोज उठा रहे थे जो कि मिस्टर पुरोहित उठा दे रहे थे। वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। और ये देखिए हमारे कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं, और ये रहे चार फ्रेंड्स अभी आए हैं, बाकी सब लोग आएंगे। और ये रहा मेरा केक, मैं जस्ट केक अभी खोली थी, और उस टाइम पे हम वेट कर रहे थे बाकी फ्रेंड्स लोगों का। तो जैसे वेट किए थे, एक एक करके सब आने लगे। और ये टू ब्यूटीफुल फ्रेंड्स देखिए आके पहुंच चुके हैं सेम ड्रेस में, क्योंकि इन दोनों का ही बर्थडे नेक्स्ट डे था, है ना। तो बस हम लोगों ने बोला, अरे वाह, दोनों ही सेम पहने हो, मस्त लग रहे हो। और ये देखिए, ये मेरे बर्थडे के दिन वाला ब्लॉग नहीं है, उसके एक दिन बाद मैं यहाँ पे पार्टी दी थी, और एक एक करके सारे फ्रेंड्स आने लगे थे, और सब कोई बिजी थे बस मिलने में, मतलब सब कोई अपने अपने मिलने में बिजी थे। तो मैं भी जस्ट यहाँ पे वीडियो कर ही रही थी, उस टाइम पे आ गई मेरी और एक फ्रेंड जिसको जाना था और दो पार्टी में। देखिए ये है सीमा, उसको और दो पार्टी में भी जाना था, फिर भी वो मेरे बर्थडे में आई। थैंक यू डियर। बहुत जन नहीं आ पाए थे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा लगा हाँ आते तो अच्छा लगता, पर क्या करें, फैमिली में कभी कभी हो ही जाता है ऐसे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, तो वो लोग आ नहीं पाए, किसी का तबीयत भी ख़राब था इसीलिए, पर आते तो मुझे और भी अच्छा लगता। और ये रही सीमा, सब लोगों से मिले, और ये रहा मेरा केक, मैं केक के साथ बहुत सारा फ़ोटो उठाई। और यहाँ पे बबली के साथ अभी मैं वीडियो बना रही थी, बबली आई थी मुझे विश करने के लिए, उसके बाद एक एक करके मैं सबके साथ फ़ोटो उठाई, सारा वीडियो शॉर्ट्स तो जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर फॉलो कीजिए, मैं रील्स और बाकी सब वहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ। और यहाँ पर ना आए थे भैया, हम उनको बोल रहे थे कि आप थोड़ा म्यूज़िक सिस्टम लगाओ, पर वो पैर हो ही नहीं पा रहा था पता नहीं क्यों। यहाँ पे सिप्रा सबका फोटोज़ ले रही थी सेल्फी मोड में, और उस टाइम पे हम वेट किए थे और एक दो फ्रेंड का, तो अब भी पहुँच गई अंबिका, तो चलिए उससे भी मिल लेते हैं। वो दीदी से जाके मिली, बाकी हम सब इधर फोटो उठा रहे थे सबके साथ। मैं जस्ट वेट की थी कि प्रीति अभी आने वाली है, और वो भी आके पहुँच गई। तो ये देखिए प्रीति से मिलिए। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी बाकी सारे फ्रेंड्स तो आ चुके हैं, अंबिका भी हाई बोली, सबसे मिल ली वो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं ना वीडियो शूट कर रही थी कि क्या करेंगे क्या नहीं, तो बाकी फ्रेंड्स लोग यहाँ पे मस्त बैठ के फ़ोटोज़ उठा रहे थे, तो मैं भी आ गई यहाँ पे फ़ोटो उठाने के लिए उनके साथ। तो देखिए यहाँ पे मस्त, पूरा मस्त हम लोग बैठ के फ़ोटो रील्स बनाए। ये वाला जो रील्स वीडियो था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब वो लोग जब रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपका दिन बन जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया, केक जो था वो मेरा हाथ लग के थोड़ा सा गिर गया, केक तो पूरा नहीं गिरा, बस उसके साइड में एक फ्लावर था वो गिर गया, है ना। तो कोई बात नहीं, सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि नहीं चलो ले आते हैं और केक, मैं बोली कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लावर गिरा है ना चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर केक बहुत ही सुंदर था और बहुत ही टेस्टी था, मैं तो नहीं खाई लेकिन जो लोग खाए वो लोग बता रहे थे कि केक बहुत अच्छा था, स्ट्रॉबेरी टाइप का लग रहा, ब्लूबेरी टाइप का ऐसा ही कुछ टेस्ट था, खट्टा खट्टा टाइप का। सब कोई मस्त केक खिला रहे थे मुझे, पर मैं नहीं खा रही थी, बस ऐसा ऐसे ही कर रही थी, क्योंकि मुझे उस दिन मेरा फास्टिंग था तो मैं केक नहीं खाई। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, सब कोई आए इतने अच्छे से, बर्थडे सेलिब्रेशन किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या करें, मैं यहाँ पे केक नहीं खाई, बस सबके साथ थोड़ा थोड़ा मस्ती कर रही थी, अच्छा लग रहा था, मस्त मज़ा आ रहा था। तो चलिए अभी चलते हैं और भी थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या होता है।
तो यहाँ पे ना मैं बोली कि चलो बलून सभी फोड़ते हैं, तो सबको एक एक करके बलून्स फोड़ने लगे। हमें बलून के साथ ना रील्स भी बनाना था, तो ढेर सारा बलून था, एक दो तो फोड़ना बनता ही है। तो चलिए मस्त आ गया मज़ा बलून फोड़ के। उसके बाद ढेर सारा फोटोज़, ढेर सारा मस्त। यहाँ पे सीमा मेरा बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो उठा दी, उसके फ़ोन में मस्त फ़ोटो आता है, हम सब उठाते हैं उसके फ़ोन में। बहुत सुंदर गाना गाए भाभी, थैंक यू सो मच। आगे भी बहुत सुंदर सुंदर गाना आपको सुनने के लिए मिलेगा भाभी का, उसके बाद दीपा का। तो चलिए देखते हैं आगे भाभी कैसे कैसे गाना गाती हैं और क्या क्या करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ पे आने के लिए और मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए। उसके बाद सीमा चली गई क्योंकि ना उसे और भी दो फंक्शन में जाना था, पर क्या करें, पर आई वो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग ना रील्स बना रहे थे बलून के साथ, मेरे को ना बहुत अच्छा लगा मेरा ड्रेस के साथ जो बलून का कलर कॉम्बिनेशन था ना, बहुत अच्छा लगा। और केक का भी, एंड आपको भी केक अच्छा लगा ना बताना कमेंट में आपको क्या क्या। यहाँ पे मस्त रील बनाए हैं हम लोग, ये रील्स मैं छोड़ चुकी हूँ इंस्टाग्राम में, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं और जाइए मेरे इंस्टाग्राम को भी शेयर कीजिए। बहुत सारा मस्ती किया और हम सब ने बलून को
आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आइए, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों ये डरता है दिल, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा जो के पल में पिघल जाओगे, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कह, यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में, मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। ढेर सारा डांस किए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इन दोनों का डांस भी बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ना दांडिया कर रहे थे, तो अच्छा लगा दांडिया करने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉक है वो बहुत लेट से जा रहा है, फिर भी मैं जब ये एडिटिंग कर रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था। थैंक यू सो मच सारे फ्रेंड्स लोगों को, आप लोग मेरे दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या खाना बना था, थोड़ा बहुत शूट की हूँ, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी बाकी फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच, आप सब आके इतना स्पेशल बनाए और बहुत अच्छा लगा। दीदी लोगों के साथ, दीदी स्वाति भी गए ना, बहुत अच्छा लगा सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ। लास्ट में आप सबको बोलूँगी थैंक यू सो मच, आप सब ने भी इतना सारा बर्थडे विश किया, इसलिए आप लोगों को ढेर सारा प्यार। ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे ब्लॉग को, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स दे दी हूँ, आप लोग देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।